सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे एक बारी लग जावे लग के ना छूटे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया बड़ा बंगला है बिजनेस है और फिर मुराद साहब के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है मलका बनकर रहोगी मलका कितना लॉन्च है 1,00,000 डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना जो वो आप बता रहे थे कि खर्चा जाहिर कर रहे थे ऑपरेशन की कामयाबी का तो मरीज के होश में आने के बाद ही पता चलेगा जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो सकता है तो 80% मुझे शक है कि वो पैरालाइज हो गया है लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआ कीजिए सब बेहतर होगा अरे बेटा परेशान होने वाली बात नहीं है हमारा बेटा ठीक हो जाएगा ये तो अभी वो खुद नहीं समझ पा रहे कि क्या कैसे होगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा होश में आएगा अपने पैरों पे चलता हुआ घर आएगा भाई ये लड़के वालों के मतालबात तो बढ़ते चले जा रहे हैं मुझे याद है रिश्ता मांगते वक्त उन्होंने कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए और अब डिमांड पर डिमांड करते चले जा रहे हैं किस तरह के लोग हैं आप तो रहने ही दें आजकल के जमाने में बगैर जहेज के कौन लड़की लेता है भाई जब बेटी और दामाद को दुबई चला जाना है तो फिर इतने लंबे चौड़े जहेज की क्या तुक है 1 साल के बाद जाएंगे वो लोग और कौन सी सारी जिंदगी वहाँ पे रहना है उन्होंने और आजकल के जमाने में ऐसी धूमधाम से शादी होती है पहला वाला जमाना तो है ही नहीं कि 4 जोड़े और मामूली से जहेज में लड़की को रुख्सत कर दें सुनो जब मैंने मना किया था मेहंदी की रस्म के लिए तो क्या जरूरत थी इतने सारे लोगों को बुला के खाना खिलाने की और ये तुम्हारे पास मेहंदी की रस्म के लिए पैसे कहाँ से आए वो मैंने घर के खर्चे से बचा लिए थे आप देखिएगा इंशाल्लाह हम एहसास की शादी इससे धूमधाम से करेंगे अफसोस एहसास की शादी के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है जो जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो गई देखा सदाकत भाई को अरे बार बार महंगाई का रोना रोने वाले कैसी धूमधाम से शादी कर रहे हैं कल माइयों थी आज मेहंदी है और परसों बारात अब भला एक महंगाई में 3-3 फंक्शन करने का कोई तुक बनता है अरे अम्मा उनके घर की पहली शादी थी ना कोई बात और वैसे भी सुना है वो लड़के काफी खाते भी रहे घर आने के तू तो हिमायत करेगा अरे सारी अपनी जमा पूंजी उस सौतेली बेटी के जहेज पर लुटा दी हमें क्या मिलेगा कोई दहला नहीं मिलेगा हमें और वैसे भी मुझे लगा है कि सदाकत भाई हमें रिश्तेदार समझकर कुछ देने के मूड में ही नहीं है कुछ नहीं बचा होगा उनके पास नहीं नहीं वो अपनी बेटी के साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते अम्मा कुछ ना कुछ रखा होगा उन्होंने बचा के क्या खाक बचाए होंगे अरे सारा कुनबा उसी की कमाई पर अय्याशी कर रहा है जब भी शादी की बात करो ना हाय बाय शाय कर देते हैं वो आप कल ही जाके उनसे साफ साफ बात करें शादी की पहले तो रबाब की वजह से वो टाल मटोल करते रहे अब तो वो मसला भी खत्म हो गया अब क्या मसला है कहता तो ठीक है मैं भी यही सोच रही थी आपकी बेटी की एक्सरे रिपोर्ट आ गई है इन एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी की बॉडी का निचला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा
आपका बेटा अब चल फिर नहीं सकता। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। मैं अभी बेटे से मिलकर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप एक बार फिर उसकी टेस्ट करवाइए। वो होता है ना कि रिपोर्ट्स बदल जाती, तो प्लीज मेरे कहने पे एक बार मेरे बेटे के सब टेस्ट फिर करवा लें। देखिए मुराद साहब, ये रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। आपका बेटा पैरालाइज हो चुका है, वो नहीं चल सकता। और आप भी इस हकीकत को जितनी जल्दी हो सके तस्लीम कर लें। डॉक्टर साहब, मुझे जरा पेशेंट को देखने दें। अरे नरवीन बेटी, तुम मैंने सब सुन लिया है ताया, ये सब क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। नरमीन कहाँ है? आप लोग मुझे उससे मिलवा क्यों नहीं रहे? वो ठीक तो है ना? हाँ बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ देर पहले आई थी तुम्हें देखने। मैंने उससे देखा ही नहीं, उससे बात ही नहीं की। नेट प्लीज उसे यहाँ बुलाएं या फिर मुझे उसके पास ले जाएं। ठीक तो है ना? उससे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हाँ बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। उसे मामूली से चोट आई है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दी है, इंशाल्लाह एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। मुझे अभी उसे देख रहे हैं, मुझे उसके पास जाना, मुझे उसके पास जाना। क्या हुआ मुझे? Dad, what happened to me? Dad, मैं अपनी टांगे क्यों नहीं हिला पा रहा? Dad, मुझसे उठा क्यों नहीं जा रहा? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? Dad, tell me what happened to me, Dad? क्या हुआ है मुझे? नहीं नहीं, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? मुझे मेरी टांगे क्यों नहीं हिल रही है? डैड, आई एम फीलिंग सो डेड। लेटे रहो बेटा, हिलो नहीं, लेटे रहो, बस लेटे रहो। नो, टेल मी डैड, व्हाट हैपेंड टू मी? क्या हुआ मुझे डैड? मैं अपनी टांगे क्यों नहीं हिला पा रहा? डैड, मुझे बताएं क्या हुआ मुझसे? डैड, आई एम फीलिंग सो डेड। मेरी टांगों में जान क्यों नहीं? डैड, क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ मुझे? क्या हुआ मुझे? देखिए मुराद साहब, ये रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। आपका बेटा पैरालाइज हो चुका है, वो नहीं चल सकता। और आप भी इस हकीकत को जितनी जल्दी हो सके तस्लीम कर लें। नरमीन बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त हमाद के पास सोना चाहिए, उसके दुख उसके गम बांटने चाहिए। हमारा तो कभी चल नहीं सकता। तो फिर क्यों कहते हैं कि हर मर्ज का इलाज है? क्यों कहते हैं कि कोई मर्ज ला इलाज नहीं है?
आप कुछ भी कीजिए ना, ऐसा कुछ नहीं पता। हम आपको ठीक कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। मैं नहीं देख सकती हूँ उसे ऐसे, प्लीज नहीं देख सकती हूँ। मुझे बता, इकलौती औलाद है वो मेरी, क्या मैं अपने बेटे को इस हालत में उसे देख सकता हूँ? नहीं देख सकता मैं, क्या करूं, मजबूर बापू कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको साफ साफ बता रही हूं ताजा, आप कुछ भी कीजिए, मेरे अम्मा को ठीक कर दीजिए, किसी से भी बात कीजिए, इस तरह मैं मर जाऊंगी इस तरह। अम्मी आपकी वजह से रिजवान ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, वरना इतनी अच्छी और खूबसूरत बीवी के होते हुए वो दूसरी शादी क्यों करता? ये क्यों नहीं कहती, तुम्हारी खातिर ये फैसला किया है, तुम थक गई हो माँ की खिदमत कर करके। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ, न जाने किस खानदान की लड़की ढूंढ ली तुमने। अरे अगर मुझे दमखम होता तो मैं चांद से बहू ढूंढ कर लाती अपने लिए। मुझे तुम्हारी पसंद बेतुबार नहीं है। अम्मी मैंने बहुत सोच समझ के उसका रिश्ता एक गरीब से खानदान में करवाया है, लड़की जो है ना वो आम से शक्ल की है, आपकी चुपचाप खिदमत करती रहेगी। रिजवान का क्या है, साल में एक दफा चक्कर लगाता है वो, उनकी तो इस रिश्ते से समझो लॉटरी खुल गई। मैं बहुत दूर की सोचती हूँ अम्मी, बहुत सोच समझ के फैसला किया है मैंने। चपरासी की लड़की तुमने पसंद की है मेरे रिजवान के लिए, है खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? इतनी भी बुरी नहीं है अम्मी, और खानदान वाले चार दिन बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे, हमें बस अपनी सहूलत देखनी है अम्मी। मैंने बहुत दूर अंदेशी से फैसला किया, सोचें रिजवान साल के साल आया करेगा, कोई खूबसूरत लड़की होती तो वो आपका ख्याल रखती, रहती आपके साथ। अब रिजवान की पहली बीवी कोई देख ले, एक बार भी पाकिस्तान आई वो? अरे लेकिन ये तो जहेज के नाम पर उठी घोड़ी भी नहीं देंगे। खैर अब ऐसा भी नहीं अम्मी कि वो अपनी बेटी को खाली हाथ भेज दे, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। जयेश के नाम पर बेसा बेटा सामान भेज देंगे। नहीं नहीं तुम ऐसा करो, उन्हें फोन करके कह दो कि हमें 50,000 कैश दे दे लड़के को सलामी में। 50,000 ज्यादा नहीं है अम्मी? अरे नहीं नहीं ठीक है, 50,000 लड़के को सलामी में दे दे बस। एक्सक्यूज मी, पेशेंट के खाने का टाइम हो चुका है। ठहर, मैं अपने बेटे को खुद खिलाऊं, मुझे कुछ नहीं कहना। अम्मा बेटा खाने से क्या नाराज की, खा लो। आप लोग चले जाएं बेटा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं, खा लो, मान लो मेरी बात। डैड मैंने खाना मुझे नहीं खाना, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। डैड प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। माशाल्लाह से अम्मी आप ही कितनी प्यारी लग रही है ना। वैसे पार्लर वाली ने कमाल कर दिया, पूरे 10,000 दिए थे मैंने। इसमें पार्लर वाली का क्या कमाल है, हमारी आप ही है इतनी प्यारी, और वैसे भी आप ही ने पहली बार मेकअप करवाया है तो रूप तो चढ़ना ही था। अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी नजर से बचाए, आमीन। अच्छा अम्मी
ये बारात कब तक आएगी? मेरा ख्याल है घंटे दो में आ जाएगी। इसे जितने लोग आए हैं मैं उनके पास जाके बैठती हूँ, तुम अपनी बहन का ख्याल रखो। अभी किसका फोन आ गया? अभी आप ही के ससुराल से फोन है। हेलो जी, सलाम अलैकुम शफ़क जी। जी हाँ जी, रबाब तो पार्लर से तैयार होके आ गई है। बस हाँ, मेहमान भी आने लगे, बस बारात का इंतजार है। कब तक आप लोग तशरीफ ला रहे जी? लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी कोई रस्म नहीं होती है। हमारी जो हैसियत थी उसके मुताबिक हमने किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप नाराज ना हो, मैं कोशिश करती हूँ। जी जी जरूर सर। अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं है, मेरी बच्ची को खुशियाँ रास नहीं आती। देखा, लग गई ना नजर। ये हुआ क्या है, कुछ बोले तो सही। उन्होंने फिर एक और फरमाइश की है। फरमाइश? कैसी फरमाइश? उन्होंने कहा है कि उन्होंने फरमाइश नहीं, शर्त रखी है कि दूल्हे को सलामी में 50,000 देना होगा। 50,000? 50,000? मगर अम्मी, हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? जितने पैसे थे सब आप ही की शादी पर लग गए। हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शफक कह रही थी कि अगर आपने 50,000 नहीं दिए तो सारे रिश्तेदारों के सामने उनकी बेइज्जती हो जाएगी, अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओहो, आज तो मेरा भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। सब देखते रह जाएंगे आज तुम्हें। पता है, तुम्हारी पहली शादी में तो हम शिरकत नहीं कर सके, लेकिन इस शादी में मैं अपने सारे अरमान निकालूंगी। अच्छा तो वाकई लग रहा हूं मैं, लेकिन शफक क्या ये मुनासिब था कि तुमने उनसे 50,000 रुपये इस्लामी की डिमांड की है? बहुत गलत किया तुमने। कहां से अरेंज करेंगे वो इतने पैसे? और वैसे भी क्या हमें उनके 50,000 रुपयों की जरूरत थी? वाह भाई, अभी से आने वाली के लिए इतनी हमदर्दियां। एक बात सुन लो, अपनी पहली बीवी को जितना सर पे चढ़ा चुके थे ना तुम, चढ़ा लिया तुमने। रुबाब को तुम बिल्कुल सर पे नहीं चढ़ाओगे। इसे सर चढ़ाने का मेरा इरादा भी कोई नहीं है। ये शादी मैंने तुम्हारी और माँ की पसंद से की है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बारात आने में घंटा देर रह गया, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? और अगर वो नाराज होके वापस चले गए तो? तुम दो टके के वर्कर्स को कोई लिहाज शर्म है? हाँ, हमने खैरात खाना खोल कर रखा है, सोशल सर्विस कर रहे हैं हम यहाँ। ना जाने वो लड़की कब तक आएगी, एहसास पता नहीं किधर गायब हो गई है। सच्चा रंग इश्क दा, बाकी सब झूठे। एक बारी लग जावे, लग के ना छूटे। रंग लिया दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया, बड़ा बंगला है, बिजनेस है, और फिर मुराद साहब के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मलका बनकर रहोगी मलका। कितना लॉन्च है? 1,00,000।
डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? जो वो आप बता रहे थे कि खदशा जाहिर कर रहे थे, ऑपरेशन की कामयाबी का तो मरीज के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो सकता है, तो 80% मुझे शक है कि वो पैरालाइज हो गया है। लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआ कीजिए सब बेहतर होगा। अरे बेटा, परेशान होने वाली बात नहीं है, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। ये तो अभी वो खुद नहीं समझ पा रहे कि क्या कैसे होगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, होश में आएगा, अपने पैरों पे चलता हुआ घर आएगा। भाई ये लड़के वालों के मतालबात तो बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे याद है रिश्ता मांगते वक्त उन्होंने कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और अब डिमांड पर डिमांड करते चले जा रहे हैं। किस तरह के लोग हैं? आप तो रहने ही दें, आजकल के जमाने में बगैर जहेज के कौन लड़की लेता है? भाई जब बेटी और दामाद को दुबई चला जाना है तो फिर इतने लंबे चौड़े जहेज की क्या तुक है? 1 साल के बाद जाएंगे वो लोग, और कौन सी सारी जिंदगी वहां पे रहना है उन्होंने। और आजकल के जमाने में ऐसी धूमधाम से शादी होती है, पहला वाला जमाना तो है ही नहीं कि 4 जोड़े और मामूली से जहेज में लड़की को रुखसत कर दें। सुनो, जब मैंने मना किया था मेहंदी की रस्म के लिए, तो क्या जरूरत थी इतने सारे लोगों को बुला के खाना खिलाने की? और ये तुम्हारे पास मेहंदी की रस्म के लिए पैसे कहाँ से आए? वो मैंने घर के खर्चे से बचा लिए थे। आप देखिएगा, इंशाल्लाह हम एहसास की शादी इससे धूमधाम से करेंगे। अफसोस, एहसास की शादी के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। जो जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो गई। देखा सदाकत भाई को? अरे बार बार महंगाई का रोना रोने वाले कैसी धूमधाम से शादी कर रहे हैं। कल माइयों थी, आज मेहंदी है, और परसों बारात। अब भला महंगाई में 3-3 फंक्शन करने का कोई तुक बनता है? अरे अम्मा, उनके घर की पहली शादी थी ना, कोई बात। और वैसे भी सुना है वो लड़के काफी खाते भी रहे कराने के। तू तो हिमायत करेगा? अरे सारी अपनी जमा पूंजी उस सौतेली बेटी के जहेज पर लुटा दी, हमें क्या मिलेगा? कोई दहला नहीं मिलेगा हमें। और वैसे भी मुझे लगा है कि सदाकत भाई हमें रिश्तेदार समझकर कुछ देने के मूड में ही नहीं है, कुछ नहीं बचा होगा उनके पास। नहीं नहीं, वो अपनी बेटी के साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते अम्मा, कुछ ना कुछ रखा होगा उन्होंने बचा के। क्या खाक बचाए होंगे? अरे सारा कुनबा उसी की कमाई पर अय्याशी कर रहा है। जब भी शादी की बात करो ना, हाय बाय शाय कर देते हैं वो। आप कल ही जाके उनसे साफ साफ बात करें शादी की। पहले तो रबाब की वजह से वो टाल मटोल करते रहे, अब तो वो मसला भी खत्म हो गया, अब क्या मसला है? कहता तो ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी। आपकी बेटी की एक्सरे रिपोर्ट आ गई है। इन एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी की बॉडी का निचला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, आपका बेटा अब चल फिर नहीं सकता। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। मैं अभी बेटे से मिलकर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप एक बार फिर उसकी टेस्ट करवाइए। वो होता है ना कि रिपोर्ट्स बदल जाती, तो प्लीज मेरे कहने पे एक बार मेरे बेटे के सब टेस्ट फिर करवा लें। देखिए मुराद साहब, ये रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, आपका बेटा पैरालाइज हो चुका है, नहीं चल सकता। और आप भी इस हकीकत को जितनी जल्दी हो सके तस्लीम कर लें। डॉक्टर साहब, मुझे जरा पेशेंट को देखने दें। अरे नरवीन बेटी,
तुम? मैंने सब सुन लिया है ताया, ये सब क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। नरमीन कहाँ है? आप लोग मुझे उससे मिलवा क्यों नहीं रहे? वो ठीक तो है ना? हाँ बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ देर पहले आई थी तुम्हें देखने। मैंने उससे देखा ही नहीं, उससे बात ही नहीं की। नेट प्लीज उसे यहां बुलाएं या फिर मुझे उसके पास ले जाएं। ठीक तो है ना? उससे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हाँ बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। उसे मामूली सी चोट आई है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दी है, इंशाल्लाह एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। मुझे अभी उसे देख रहे हैं, मुझे उसके पास जाना, मुझे उसके पास जाना। क्या हुआ मुझे? Dad, what happened to me? Dad, मैं अभी टांगे क्यों नहीं हिला पा रहा? Dad, मुझसे उठा क्यों नहीं जा रहा? Dad, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? Dad, tell me what happened to me, Dad? क्या हुआ मुझे? नहीं, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? मुझे मेरी टांगे क्यों नहीं हिल रही है? डैड, आई एम फीलिंग सो डेड। लेटे रहो बेटा, हिलो नहीं, लेटे रहो, बस लेटे रहो। नो, टेल मी डैड, व्हाट हैपेंड टू मी? क्या हुआ मुझे डैड? मैं अपनी टांगे क्यों नहीं हिला पा रहा? डैड, मुझे बताएं क्या हुआ मुझसे? डैड, आई एम फीलिंग सो डेड। मेरी टांगों में जान क्यों नहीं? डैड, डैमेज क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ मुझे? क्या हुआ मुझे? देखिए मुराद साहब, ये रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। आपका बेटा पैरालाइज हो चुका है, वो नहीं चल सकता, और आप भी इस हकीकत को जितनी जल्दी हो सके तस्लीम कर लें। नरमीन बेटा, तुम यहां क्या कर रहे? तुम्हें इस वक्त हमाद के पास सोना चाहिए, उसके दुख उसके गम बांटने चाहिए। हमारा तो कभी चल नहीं सकता। तो फिर क्यों कहते हैं कि हर बर्स का इलाज है? हाँ, क्यों कहते हैं कि कोई मर्ज ला इलाज नहीं है? आप कुछ भी कीजिए ताया, मुझे नहीं पता। हमाद को ठीक कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। मैं नहीं देख सकती हूँ उसे ऐसे, प्लीज नहीं देख सकती हूँ। मुझे बता, इकलौती औलाद है वो मेरी, क्या मैं अपने बेटे को इस हालत में उसे देख सकता? नहीं देख सकता मैं, क्या करूं? मजबूर, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको साफ साफ बता रही हूं ताजा, आप कुछ भी कीजिए, मेरे अम्मा को ठीक कर दीजिए, किसी से भी बात कीजिए। इस तरह मैं मर जाऊंगी, इस तरह।
कुछ कीजिए ना। अम्मी आपकी वजह से रिजवान ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, वरना इतनी अच्छी और खूबसूरत बीवी के होते हुए वो दूसरी शादी क्यों करता? ये क्यों नहीं कहती, तुम्हारी खातर ये फैसला किया है, तुम थक गई हो माँ की खिदमत कर करके। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ, न जाने किस खानदान की लड़की ढूंढ ली तुमने। अरे अगर मुझे दमखम होता तो मैं चांद से बहू ढूंढ कर लाती अपने लिए। मुझे तुम्हारी पसंद पर एतबार नहीं है। अम्मी मैंने बहुत सोच समझ के उसका रिश्ता एक गरीब से खानदान में करवाया, लड़की जो है ना वो आम से शक्ल की है, आपकी चुपचाप खिदमत करती रहेगी। रिजवान का क्या है, साल में एक दफा चक्कर लगाता है वो, उनकी तो इस रिश्ते से समझे लॉटरी खुल गई। मैं बहुत दूर की सोचती हूँ अम्मी, बहुत सोच समझ के फैसला किया है मैंने। चपरासी की लड़की तुमने पसंद की है मेरे रिजवान के लिए, है खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? इतनी भी बुरी नहीं है अम्मी, और खानदान वाले चार दिन बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे, हमें बस अपनी सहूलत देखनी है अम्मी। मैंने बहुत दूर अंदेशी से फैसला किया, सोचे रिजवान साल के साल आया करेगा, कोई खूबसूरत लड़की होती तो वो आपका ख्याल रखती, रहती आपके साथ। अब रिजवान की पहली बीवी कोई देख ले, एक बार भी पाकिस्तान आई वो? अरे लेकिन ये तो जहेज के नाम पर उठी घोड़ी भी नहीं देंगे। खैर अब ऐसा भी नहीं अम्मी कि वो अपनी बेटी को खाली हाथ भेज दे, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। जैश के नाम पर विशा बेटा सामान भेज देंगे। नहीं नहीं तुम ऐसा करो, मैं फोन करके कह दो कि हमें 50,000 कैश दे दे लड़के को सलामी में। 50,000 ज्यादा नहीं है अम्मी? अरे नहीं नहीं ठीक है, 50,000 लड़के को सलामी में दे दे बस। एक्सक्यूज मी, पेशेंट के खाने का टाइम हो चुका है। ठहर, मैं अपने बेटे को खुद खिलाऊं, मुझे कुछ नहीं खाना। हाँ माँ। बेटा खाने से क्या नाराजगी, खा लो। आप लोग चले जाएं। बेटा मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं, खा लो, मान लो मेरी बात। डैड मैंने खाना मुझे नहीं खाना, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। डैड प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। माशाल्लाह से अम्मी आप ही कितनी प्यारी लग रही है ना। वैसे पार्लर वाली ने कमाल कर दिया, पूरे 10,000 दिए थे मैंने। इसमें पार्लर वाली का क्या कमाल है, हमारी आप ही है इतनी प्यारी, और वैसे भी आप ही ने पहली बार मेकअप करवाया तो रूप तो चढ़ना ही था। अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी नजर से बचाए, आमीन। अच्छा अम्मी ये बारात कब तक आएगी? मेरा ख्याल घंटे दो में आ जाएगी, इसी जितने लोग आए हैं मैं उनके पास जाके बैठती हूँ, तुम अपनी बहन का ख्याल रखो। अभी किसका फोन आ गया? अभी आप ही के ससुराल से फोन है। हेलो जी, सलाम अलैकुम शफक जी। जी हाँ जी, रबाब तो पार्लर से तैयार होके आ गई है, बस हाँ मेहमान भी आने लगे, बस बारात का इंतजार है। कब तक आप लोग तशरीफ ला रहे जी? लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी कोई रस्म नहीं होती है, हमारी जो हैसियत थी उसके मुताबिक हमने किया है।
अच्छा 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 आप नाराज ना हो, मैं कोशिश करती हूँ। जी जी जरूर सर। अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं है, मेरी बच्ची को खुशियाँ रास नहीं आती, देखा लग गई ना नजर। ये हुआ क्या है, कुछ बोले तो सही। उन्होंने फिर एक और फरमाइश की है। फरमाइश? कैसी फरमाइश? उन्होंने कहा है कि उन्होंने फरमाइश नहीं शर्त रखी है कि दूल्हे को सलामी में 50,000 देना होगा। 50,000? 50,000? मगर अम्मी हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? जितने पैसे थे सब आप की शादी पर लग गए। हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शफक कह रही थी कि अगर आपने 50,000 नहीं दिया तो सारे रिश्तेदारों के सामने उनकी बेइज्जती हो जाएगी, अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओहो, आज तो मेरा भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। सब देखते रह जाएंगे आज तुम्हें। पता है तुम्हारी पहली शादी में तो हम शिरकत नहीं कर सके, लेकिन इस शादी में मैं अपने सारे अरमान निकालूंगी। अच्छा तो वाकई लग रहा हूं मैं, लेकिन शफक क्या ये मुनासिब था कि तुमने उनसे 50,000 रुपये इस्लामी की डिमांड की है? बहुत गलत किया तुमने, कहां से अरेंज करेंगे वो इतने पैसे? और वैसे भी क्या हमें उनके 50,000 रुपयों की जरूरत थी? वाह भाई, अभी से आने वाली के लिए इतनी हमदर्दियां। एक बात सुन लो, अपनी पहली बीवी को जितना सर पे चढ़ा चुके थे ना तुम, चढ़ा लिया तुमने, रुबाब को तुम बिल्कुल सर पे नहीं चढ़ाओगे। इसे सर चढ़ाने का मेरा इरादा भी कोई नहीं है। ये शादी मैंने तुम्हारी और माँ की पसंद से की है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बारात आने में घंटा देर रह गया, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? और अगर वो नाराज होके वापस चले गए तो? तुम दो टके के वर्कर्स को कोई लिहाज शर्म है? हाँ, हमने खैरात खाना खोल कर रखा है, सोशल सर्विस कर रहे हैं हम यहाँ। ना जाने वो लड़की कब तक आएगी, एहसास पता नहीं किधर गायब हो गई है।